Hello everyone. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या आवाज आ रही क्या सभी को? अरे यार, ये कल वाले ने कर दिया लाइव। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार धाकड़ कॉन्सेप्ट में। आज स्टैटिक की श्रेणी में जो हमने जो टॉपिक लिया है आज, वो टॉपिक है आपके सामने एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया। तो भारत में जितने भी एलिफेंट रिजर्व है, दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। एक टॉपिक जो पहला लिया था हमने टाइगर रिजर्व, और दूसरा लिया था नेशनल पार्क का। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा और काफी अच्छा रहा होगा, और आप नोट्स बना रहे होंगे और लर्न भी कर रहे होंगे। तो आज जो तीसरा टॉपिक है वो है एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया। एलिफेंट का जो प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से किया गया है, और भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व है, और क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से साइट है, और एलिफेंट को किस श्रेणी में रखा गया है, वो सारी कौन से स्केड्यूल में रखा गया है, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, विश्व में एलिफेंट जो है वो दो टाइप, दो महाद्वीप में मिलते हैं, मेनली अफ्रीकन और एशिया में। तो अफ्रीकन की तो हमें कोई लेना नहीं है विशेष, हम बात करते हैं एशिया की। तो एशिया में जो है मेनली कहां कहां एलिफेंट मिलते हैं, तो एशियाई एलिफेंट की अगर बात करें हम, तो एशियाई एलिफेंट जिसको एलिफस मैक्सिमस भी कहा जाता है, एशियाई जो जैसे आप रासायनिक नाम होता है ना वैसे ही, तो एशियाई हाथी का जो है एलिफस मैक्सिमस भी कहा जाता है इसकी। और इसकी तीन प्रजातियां हैं, तीन जो है इसकी स्पीसीज है, जिसको नाम श्रीलंका में इसको बोला जाता है एलिफस मैक्सिमस। और मुख्य भूमि जो एशिया की है, जैसे चाइना वगैरह, इंडिया वगैरह, वहां पर मिलता है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, जो इंडिया में मिलता है। और सुमात्रा मतलब सुमात्रा द्वीप मतलब इंडोनेशिया वगैरह में, वहां पर जो मिलता है वहां है एलिस मैक्सिमस। ठीक है ना? तो ये तीन प्रजातियां हैं एशियाई की। अफ्रीकन की हमें मेनली फर्क अगर देखना हो आपको कि एशिया और अफ्रीका के एलिफेंट में क्या फर्क है, तो अफ्रीका के जो एलिफेंट होते हैं उनके एक तो कान बहुत बड़े होते हैं। ठीक है ना? अफ्रीका के महाद्वीप के जैसे ही बड़े बड़े कान होते हैं उनके, इस तरीके से। और एशिया के जो एलिफेंट होते हैं या इंडिया के जो एलिफेंट होते हैं उनके कान छोटे होते हैं। और जब आप दांत को देखेंगे तो अफ्रीका के जो एलिफेंट होते हैं उनके दांत जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ऐसे ऊपर की तरह आते हैं, जैसे एक बार निकल के फिर ऊपर की तरह होते हैं। जैसे आप सुना होगा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, उस तरीके से उसके जो दांत होते हैं वो ऊपर की तरह होते हैं। और इंडिया वाले जो या अफ्रीकन वाले जो एलिफेंट होते हैं उनके दांत जो है वो नीचे की तरह धंसे होते हैं। और इनके ये कल वाला है, सुबह वाला, ठीक है। और आगे अगर बात करें हम, तो मेन और क्या फर्क होता है अफ्रीकन में, तो अफ्रीका के हाथी जो बहुत बड़े होते हैं और इंडिया के हाथी जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब इतने बड़े नहीं होते जितने अफ्रीका के होते हैं। और उनकी चमड़ी जो होती है वो एकदम इकट्ठा इकट्ठा पास पास में होती है एकदम, और सपाट नहीं होती चमड़ी। ठीक है ना? तो ये मेनली फर्क होता है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना, सेंटर स्पॉन्सर योजना। ठीक है ना? सेंटर स्पॉन्सर का मतलब, एक तो देखो दो टाइप की योजनाएं होती है, एक तो होती है सेंटर स्पॉन्सर और एक होती है सेंटर सेक्टर की योजना।
सेंटर सेक्टर। सेंटर सेक्टर की योजना वो योजना होती है जिसमें 100% जो है वो पूरा फंड देती है सेंटर गवर्नमेंट, और सेंटर स्पॉन्सर जो होती है उसमें कुछ राज्य सरकार देती है, कुछ आपकी सेंटर सेंटर गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। तो ये वो कितना भी हो सकता है, 50-50 हो सकता है, 19-10 होता हो सकता है, 16-14 हो सकता है, वो उसका कोई फिक्स दायरा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेंटर सेक्टर और सेंटर स्पॉन्सर दोनों में ये फर्क है आपका, ठीक है। तो 92 में टाइगर एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1992 में, और इसके तीन मुख्य उद्देश्य थे, हाथियों के आवास और गलियारे की सुरक्षा। मतलब जहां हाथी रहते हैं, तो हाथी एक जगह तो रहते नहीं है, गलियारा का मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जहां पलायन करते, जो वो मार्ग होता है ना वो कहलाता है गलियारा। जैसे अब आसाम से बंगाल चला गया, तो वो जो उसका उनका जो रास्ता है वो कहलाता है गलियारा। तो उसमें उनकी सुरक्षा कैसे करना, क्योंकि उस गलियारे के अंदर बहुत सारे जो है सड़कें भी बनी हुई है, रेल की पटरियां है, इलेक्ट्रिक वायर्स है, तो उसमें क्या फंस के हाथी वगैरह मर जाते हैं, और या रेल की हाथी क्या एक्चुअली झुंड में चला करते हैं, झुंड में चलते हैं तो क्या, जैसे रेल की पटरी पे आ गए तो बहुत सारे हाथी एक साथ में ही मर जाते, रेल ट्रेन आई हुई हो तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती है। इसलिए जो हाथियों को बचाने के लिए 92 में एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें हाथियों के आवास और गलियारे की सुरक्षा, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों से संबंधित करना, मतलब मानव और एलिफेंट में भी बहुत हड़प हो जाती है, कभी कभी एलिफेंट जो है वो गांव में चले आते हैं तो वहां पर लोग उनको भाला वगैरह मारते हैं, या फिर उन पर रॉकेट वगैरह छोड़ देते हैं, या फिर बॉम्ब वगैरह डालते हैं तो मार देते हैं, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए। और बंदी हाथियों का कल्याण के लिए, जो अधिकतर हाथी को क्या करते हैं, वो बंदी बना दिया जाता है, और वो जैसे आप मंदिरों में देखते हैं या फिर गांव में जो लेके आते हैं अपने रोजगार के लिए भी, तो उनके भी सुरक्षा के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। अधिकतर अगर एशिया की बात करें हम, तो एशिया में जो है 13 देश ऐसे है जहां पर एलिफेंट मिलते हैं मेनली एशिया में। तो कौन कौन से, साउथ एशिया की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो कंबोडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है और वियतनाम है, ठीक है ना। तो आप बताइए सफेद हाथियों का देश कौन सा, अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिख के बताइए। और हाथियों का देश दो देश है, एक एलिफेंट कंट्री किसको कहा जाता है, और व्हाइट और सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अभी देखिए एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ये जो COP13 के नाम से जाना जाता है, अभी गांधीनगर में ही हुआ था, गुजरात के, करंट का इशू है। तो इस COP13 में गांधीनगर में जो हुआ था, वहां पर दो, एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक एशियन एलिफेंट, ठीक है ना, और बंगाल फ्लोरिगन एडिगन, इन सबको जो है अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल किया। अपेंडिक्स मतलब जो शेड्यूल जो परिशिष्ट होते हैं, ये पांच टाइप के परिशिष्ट है, अपेंडिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और फाइव। अपेंडिक्स फर्स्ट का मतलब यहां पर यह है कि सबसे ज्यादा सुरक्षा जिनको देने की आवश्यकता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जिनको सुरक्षा देने की आवश्यकता है वो अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। फिर से जैसे एलिफेंट का देखा था हमने कि अपेंडिक्स सेकंड में शामिल है, वो परिशिष्ट सेकंड में, ठीक है ना। तो ये यहां पर जो हुआ था COP13 में, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेंट स्पीसीज में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एशियन एलिफेंट, इन दोनों को अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल किया गया है, मतलब इनको ये बहुत खतरे में है, इनको बचाने की आवश्यकता है। थाईलैंड सिर्फ सफेद हाथियों का देश, देविका सोलंकी। तो लाओस क्या है बताना मुझे दोनों, ठीक है। तो ये बात यहां तक हो गई, ठीक है। फिर हाथियों के लिए भारत में पुनर्वास केंद्र बना है, इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेज सेंटर, पुनर्वास केंद्र जो बना है वो कोट्टूर के केरला में बना है। और हाथियों के लिए पहला जो हॉस्पिटल जो बना है वो बना है आपके मथुरा के अंदर, पहला हॉस्पिटल बना है मथुरा के अंदर, ये आपको ध्यान रहना है। करंट के सवाल है सारे ये, ठीक है। फिर एक संस्था है साइट्स ने भी जो है एलिफेंट को अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला है, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंगेज्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा। फ्योना यानी पशु पक्षी और फ्लोरा यानी जो फूल पत्तियां वगैरह होती है उनके बारे में, तो इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इस साइट्स ने भी, ये बड़ी संस्था है, तो इसने भी परिशिष्ट फर्स्ट में डाला है किसको, ये एनिमल को,
एलिफेंट को, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो है, भारत के अंदर 28 राज्यों में से 16 राज्यों में लगभग आपको एलिफेंट देखने को मिलेंगे, 16 राज्य में अधिकतर। अभी तो वर्तमान में जैसे देखेंगे तो 22-23 राज्य के नाम मिलेंगे आपको, लेकिन क्योंकि अभी वर्तमान में सब जगह फैल गए, लेकिन मूलतः जो देखेंगे आप 16 राज्य है। और अधिकतर उत्तर भारत में देखेंगे आप तो नहीं मिलेंगे आपको, उत्तर भारत में जो है एलिफेंट देखने को नहीं मिलेंगे आपको, पूर्वी भाग में मिलेंगे और दक्षिण भाग में ज्यादातर आपको एलिफेंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एशियाई हाथी का क्या, तो भारत सरकार ने 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो डिक्लेयर किया है, नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और भारतीय हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची में भी इसको फर्स्ट फर्स्ट में डाला गया है, मतलब इसको ज्यादा सुरक्षा देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि नेशनल एनिमल कौन सा है तो आप बताएंगे टाइगर, और अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर हेरिटेज एनिमल कौन सा है तो आप बताएंगे वो कौन सा है, तो एलिफेंट है। और कब बनाया गया, तो 2010 के अंदर बनाया गया, ठीक है। और मेनली इंडिया में जो है, इंडिया के 3 राज्य जो है वहां पर उसका राष्ट्रीय एनिमल भी है, जैसे झारखंड, केरला और कर्नाटक, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनका एलिमेंट एनिमल जो है स्टेट एनिमल वो है एलिफेंट, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और अभी जो 12 अगस्त को एलिफेंट डे भी होता है, 12 अगस्त को एलिफेंट डे भी होता है, ठीक है ना। तो 12 अगस्त 2017 के अंदर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने आंकड़े कुछ जारी किए थे, जिसमें हाथियों की कुल संख्या बताई गई थी आपके 27,312 दर्ज की गई थी। और इसमें सबसे ज्यादा जो बताए गए वो बताए गए कर्नाटक के अंदर 6,049, ठीक है। फिर इस दृष्टि में असम जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है, और तीसरे स्थान पर रहा है आपका केरला। तो अधिकतर देखेंगे आप पूर्वोत्तर और दक्षिण वाले राज्य जो है वही इसमें है। ठीक है ना, फिर देखिए आगे आप। और जो फाइनल रिपोर्ट आई, क्योंकि 2017 जो था एलिफेंट का वो 2017 का था, लेकिन रिपोर्ट आते आते 2 साल लग जाते, टाइम लग जाता है, तो वो जो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट 2017 में जब आई तो उसके अंदर 29,964 जो है वो हाथी बताए गए हैं, ठीक है ना। मेन ये लास्ट रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है इसके अंदर 29,000। वैसे कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला आपको कितने हाथी है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है 30,000 के लगभग जो है इंडिया में टोटल हाथी है, जो साउथ ईस्ट रीजन में मिलते हैं आपको 14,612, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेंगे आपको 10,000 के आसपास। तो ये पूरा आंकड़ा है कि कितने कितने हाथी कहां पर है। ठीक है, फिर पहली बार भारत वन पर्यावरण मंत्रालय ने जो है देश में बंधक हाथियों का सर्वेक्षण भी जो लॉन्च किया था, जो द मिनिस्ट्री ऑफ फर्स्ट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज द फाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट सर्वे ऑफ एलिफेंट कैप्टिविटी 2019। जो हाथी बंधक हाथी होते हैं उनका भी सर्वे आया है पहला, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत में टोटल बंधक हाथियों की संख्या कितनी है। तो इसके अनुसार जो है 2,454 हाथियों में से 560 तो वन विभाग संरक्षण में है, और 1,687 जो है वो लोगों के पास में रखे गए हैं। तो जो बंधक हाथी, मतलब जो जैसे आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पर अधिकतर मंदिरों में भी जो है वो हाथी रखे जाते हैं, ठीक है। फिर ये बंदी हाथियों में 58% लगभग 2 राज्यों में है, सबसे ज्यादा बंधक हाथी जो है वो आसाम में मिलेंगे आपको 905 हाथी, और केरला में 518 हाथी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब राज्यवार देखते हैं कि सबसे ज्यादा हाथी कहां पर है, तो किस तरीके से, ये देखिए सबसे पहले जो है वो कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर जो है सबसे ज्यादा हाथी है 6,049, फिर आसाम मिलेगा आपको, फिर आपको केरला मिलेगा, फिर तमिलनाडु मिलेगा, फिर उड़ीसा मिलेगा, फिर उत्तराखंड मिलेगा, इस तरीके से ये पूरा जो है वो स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। ये
ये केरला के है, फिर तमिलनाडु का है, फिर ओडिशा है, फिर आपका उत्तराखंड मिलेगा आपको, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, फिर झारखंड, फिर नागालैंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, यूपी में देखिए आप 232 है, इतना बड़ा स्टेट है लेकिन 232 एलिफेंट है। ये एलिफेंट, वो एलिफेंट की बात कर रहा हूं मैं जो सिर्फ आपको जंगलों में मिलते हैं, जो बंधक बनाकर रखे हुए वो हाथी नहीं, ठीक है ना, राजस्थान में नहीं आता है, राजस्थान में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो बंधक वाले जो हाथी है वो, उसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना, आप वो समझ रहे होंगे कि जो हमारे गांव में भी आता है तो वो नहीं, जो जंगलों में रहते हैं अपने आवास पर ही रहते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी पूरी मिल जाएगी आपको, ये सारे नाम थे। फिर भारत में टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व है, तो एलिफेंट रिजर्व की अगर बात करें भारत में तो टोटल 30 एलिफेंट रिजर्व है, तो 30वां जो बना था वो कौन सा था, तो इसके अंदर देखेंगे हम, तो ये 30वां जो था वो था सिंगफन एलिफेंट रिजर्व, ठीक है ना, ये एग्जाम में आ सकता है आपके, सिंगफन एलिफेंट रिजर्व कहां पर है। तो आप पूछेंगे सर एलिफेंट रिजर्व क्या होता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो जैसे हमने देखा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क का देख लिया हमने, टाइगर रिजर्व का देख लिया, तो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पर हाथी मिलते हैं उसी को बना दिया जाता है एलिफेंट रिजर्व, या कुछ नेशनल पार्क को भी बना दिया जाता है एलिफेंट रिजर्व जहां एलिफेंट मिलते हैं। श्रेणी फर्स्ट में रखा गया है एलिफेंट को, ठीक है ना, 5 श्रेणी होती है इसके, ठीक है, तो सिंगफन एलिफेंट रिजर्व जो है वो 30वां एलिफेंट रिजर्व था और ये आपके नागालैंड में पड़ता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहां से, 30वां कौन सा था, टोटल 30 है। फिर एक प्रोग्राम चलाया गया है माइक के द्वारा, माइक प्रोग्राम जिसे साइट्स के द्वारा एक माइक प्रोग्राम चलाया गया है, मॉनिटरिंग इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम चलाया गया था, इसके अंदर कुछ साइट का डिसाइड किया जाता है उस साइट से कि हाथियों की जो मौत वगैरह होती है वो किस तरीके से होती है उसका देखना, या मरने के बाद उसकी बॉडी ले जाकर उसमें उस पर प्रयोग करना कि ये जो हाथी है वो मरा कैसे है, तो इसके लिए साइट्स के द्वारा एक संस्था है साइट्स, उसके द्वारा माइक प्रोग्राम चलाया गया था। ये माइक कार्यक्रम जो है साइट आधारित एक प्रणाली है जिसमें हाथियों को अवैध हत्या में रुझान की निगरानी करने और रेंज प्रबंधन राज्यों में उचित प्रबंधन प्रवर्तक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने की डिजाइन किया गया है, ठीक है। माइक प्रोग्राम की शुरुआत दक्षिण एशिया में हुई थी 2003 के अंदर, और माइक प्रोग्राम के अंदर क्या है, कुछ रेंज बनाई जाती है, उस रेंज से पूरा उन हाथियों पर निगरानी रखी जाती है कि हाथियों की डेथ हो रही तो कैसे उसकी बॉडी ले जाकर चेक किया जाता है, किस तरीके से उनकी डेथ हो रही तो उनको रोका जा सके। जैसे 2017 में एक वायरस भी फैला था तो काफी हाथी इंडिया में मर गए थे उससे, तो इस तरीके के बचाने के लिए उनको प्रोटेक्शन के लिए ये माइक साइट्स द्वारा माइक प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये माइक जो साइट्स है वो कौन कौन सी है, तो साइट्स देखिए, ये सिरांगरिपु साइट जो है दंगपटकी, ये दोनों आसाम में है दो साइट्स लोकेशन, और ईस्टर्न द्वार जो है वेस्ट बंगाल में है, देवमाली जो है वो आपके अरुणाचल में है, खासी या ये गारो हिल्स जो मेघालय के अंदर है, मयूरभंज जो है वो उड़ीसा के अंदर है, मैसूर जो है कर्नाटक के अंदर है, नीलगिरी आपके तमिलनाडु मिलेगा आपको, ये सारी माइक साइट बनाई गई है जहां पर हाथियों की जो डेथ वगैरह होती है उन पर निगरानी रखी जाती है इन साइट से, नीलगिरी शिवालिक हो गया, वायनाड हो गया केरला के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपको देखना था एलिफेंट रिजर्व से, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व है, तो उनकी बात करते हैं अभी, ठीक है। तो कहां का एलिफेंट रिजर्व, तो टोटल 30 एलिफेंट रिजर्व है, तो सबसे पहले देखते हैं हम तमिलनाडु और केरला में, अन्नामुड़ी और अनामलाई, अनामलाई पहले भी पढ़ चुके हैं हम, टाइगर रिजर्व भी और नेशनल पार्क भी, तो अनामलाई कहां पर है, तमिलनाडु में, अनामुड़ी कहां पर है, तो अनामुड़ी है केरला में, अनामुड़ी सबसे ऊंची चोटी भी है केरला के अंदर, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा कितनी ऊंची है ये। फिर आपको केरला और तमिलनाडु में, तो ये पेरियार आपको मिलेगा केरला के अंदर, और श्री विल पुतुर जो है वे तमिलनाडु में, श्री विल पुतुर की एक मिठाई भी प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग मिला है 2019 के अंदर, बताइएगा अगर पता हो किसी को तो, ठीक है। तो पेरियार केरला के अंदर और श्री विल पुतुर जो है वो तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। फिर साउथ, ये केरला तमिलनाडु साउथ नीलगिरी में कोयम्बटूर, ठीक है,
और नीलांबर जो मिलेगा वो केरला के अंदर, और कोयम्बटूर मिलेगा आपको तमिलनाडु के अंदर, फिर अरुणाचल और आसाम, तो सोनितपुर जो मिलेगा आपको आसाम में मिलेगा, और कामेंग मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 तो ये हो गया आपके, ठीक है। कोयम्बटूर, नीलांबर, कामेंग, सोनितपुर और पेरियार, श्रीविल्लुपुत्तूर और अन्नामुड़ी और अन्नामलाई। हाँ मलाई है तो तमिलनाडु, बिल्कुल सही। नहीं माइक साइट एग्जाम में नहीं आती, तो सिर्फ आपको समझने के लिए था कॉन्सेप्ट की हाथियों की देहात वगैरह होती है तो इस तरह की साइट बनाई जाएगी। सिर्फ आपको नाम पूछ सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो या फिर सर्वेक्षण कोई आता है तो वो पूछ सकते हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट जो कब स्टार्ट हुआ इस तरीके का पूछ सकते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 एक्ट के कौन सी शेड्यूल में रखा गया उनको, फर्स्ट प्रेसिस जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव तक जो होते हैं उसमें इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। फिर देखिए आगे और कौन से, तो दंदेली, ये कर्नाटक में है दंदेली, और ये दंदेली जो था वो 29वां था, 29वां, 30वां बताया मैंने आपको, और 29वां जो एलिफेंट प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, दंदेली। दंदेली कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, रायला कर्नाटक के अंदर, मैसूर कर्नाटक के अंदर, वायनाड मिलेगा आपको, सॉरी रायला मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश के अंदर, और वायनाड मिलेगा केरला के अंदर, नीलगिरी मिलेगा आपको तमिलनाडु के अंदर। नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर, वापस देख ले एक बार, नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर, दंदेली मिलेगा आपको कर्नाटक के अंदर, मैसूर मिलेगा कर्नाटक के अंदर, रायला मिलेगा आपको तमिल आंध्र प्रदेश के अंदर, और वायनाड मिलेगा केरला के अंदर। फिर ये गारो हिल्स मिलेगा आपको मेघालय के अंदर, गारो हिल्स मेघालय के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी, पूछेगा आपसे कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, या वर्तमान में जो सेंसस आया उसमें कितने एलिफेंट है, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है इस तरीके से, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है कौन सी परिशिष्ट में रखा गया है एलिफेंट को, इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, या फिर कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछ ले आपसे कि नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व जो है वो कहां पर है, तो आप बताएंगे नीलगिरी कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर और देखिए, साउथ अरुणाचल जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, और दिहिंग पटकई जो है वो है असम के अंदर। अधिकतर आप देखेंगे तो ये आसाम पूर्व वाला भाग और आपका दक्षिण वाला भाग यहीं पर है, उत्तर भारत में बिल्कुल नहीं है एलिफेंट। फिर देखेंगे आप ये सिंगफन जो है ये नागालैंड के अंदर है, और काजीरंगा कर्बी जो है आसाम के अंदर, काजीरंगा से नाम पता चल गया आपको, ठीक है। फिर धनसिरी लुंगडिंग, धनसिरी लुंगडिंग जो है वो भी असम के अंदर है, और इटांगी जो है वो है नागालैंड के अंदर। इटांगी और सिंगफंग दोनों जो मिलेंगे आपको वो नागालैंड के अंदर मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तमिलनाडु, नीलगिरी जो है तमिलनाडु के अंदर है। फिर देखिए आप ईस्टर्न द्वार, ईस्टर्न द्वार मिलेगा आपको वो बंगाल के अंदर मिलेगा, और सिरांग रिपू जो है वो मिलेगा आपको असम के अंदर। अधिकतर देखा आप आसाम बंगाल के नाम आ रहे हैं, या केरला या तमिलनाडु के नाम आ रहे हैं, अधिकतर नाम वही है, ठीक है ना। फिर शिवालिक, शिवालिक मिलेगा आपको उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तरांचल या उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उसका नाम ही उत्तर प्रदेश एलिफेंट एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, नाम ही उत्तर प्रदेश ही है इसका, और शिवालिक मिलेगा आपको उत्तरांचल या उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। फिर बादलखोल मिलेगा आपको बंगाल के अंदर, फिर संबलपुर आपको मिलेगा झारखंड के अंदर, मयूरभंज मिलेगा आपको झारखंड के अंदर, ठीक है ना, फिर सिंहभूमि मिलेगा आपको झारखंड के अंदर, ये सारे ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये थे सारे टाइगर रिजर्व, और ये चार जो है नए बनने वाले, अभी जैसे आपको कुछ साइड पर जाओगे तो आपको मिलेंगे 34 से 34 है, लेकिन ठीक है। तो ये चार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इनको अप्रूव नहीं दी है। तो ये चार कौन कौन से हैं, तो जैसे खासी हिल्स, जैसे गारो हिल्स को तो मिल गई जो मेघालय की है, खासी गारो जयंतिया की पहाड़ियां जैसे आपके एसएससी वगैरह एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है, तो खासी हिल्स जो है वो मेघालय के अंदर है, ये भी एलिफेंट रिजर्व स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया है। फिर लेमरू जो छत्तीसगढ़ का है, लेमरू इसको भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अप्रूव कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इसको नहीं माना है कि अभी तक नहीं बनाएंगे हम,
और उड़ीसा के अंदर दो है, साउथ उड़ीसा वाला और बातमी उड़ीसा, ये दो जो है दो उड़ीसा के हैं। तो ये चार जो है वो नए बनने वाले हैं। अगर चारों नए बन जाते हैं तो इंडिया में अभी 30 ना होकर कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, ठीक है ना। वर्तमान में कितने हैं तो 30 है। एक बार वापस मैं रिवीजन बता दूं आपको कि अगर आपसे मेन सवाल जो बनते हैं यहां से, सवाल क्या बनते हैं, सवाल बन सकता है कि एलिफेंट प्रोजेक्ट इंडिया में कब आया, तो 1972 एलिफेंट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो 1972। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया तो आप बताएंगे 1992। कितने एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में तो आप बताएंगे 30, ठीक है। लास्ट 30वां कौन सा बना, सिंगफन बता दिया मैंने आपको, और चार ये जो है वो नए बनने वाले है। और सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां मिलेंगे, कब हुआ लास्ट गणना, कब हुई, 27,000 के लगभग, 30,000 के लगभग इंडिया में भी एलिफेंट है, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान रखनी है यहां से। और कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की, वो सारी देखेंगे, 38 साइट जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो थैंक यू, मिलेंगे कल।